हेलो चैम्स, इस सेशन में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ आइडेंटिटीज के फॉर्मूले सिखाने जा रहा हूं, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं चैम्स। इसके लिए मैंने हेक्सागन्स बनाए हैं और दो बनाए हैं, और मैंने वैल्यूज लिखी हैं 10 हर पॉइंट। या आप देख रहे हैं डॉट्स हैं यहाँ पर, हर पॉइंट को मैंने एक नाम दिया। जैसे इस डॉट को मैंने नाम दिया है 10 साइन कॉस कॉट कॉसेक एंड सेक थीटा। आपको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। वो पहली बात यह है कि जो पहला मैंने हेक्सागन बनाया है उसमें आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करना है। पहले फर्स्ट स्टेज में क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा में हम चलेंगे। और चैम्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ आइडेंटिटीज के फॉर्मूला की ट्रिक में हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट पॉइंट जहां से हमें चलना है, मान लीजिए मैं यहां से 10 से चल रहा हूं, तो ये मान लीजिए मैंने 10 से चलना शुरू किया है, तो मुझे अगले दो पॉइंट्स को उठाना है। यानी पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये है, यानी मैं जिस पॉइंट पे खड़ा होऊंगा उसे अगले दो पॉइंट मुझे लेने हैं। तो यहां पर मैंने पहला पॉइंट साइन तो ले लिया, 10 ले लिया मैंने, तो पहला पॉइंट हो गया मेरे पास साइन हो गया, और दूसरा पॉइंट जो हो गया वो कॉस हो गया। तो पहला पॉइंट ऊपर आएगा, दूसरा पॉइंट नीचे आएगा। तो चैंप्स, आप देख रहे हैं यहां पर आपके सामने एक फॉर्मूला रेडी हो गया, यानी 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हम 10 के बाद साइन पर खड़े होते हैं, तो मैंने अगला पॉइंट ले लिया साइन, तो अब मुझे साइन से आगे के दो पॉइंट और लेने हैं। यानी पहला पॉइंट जो है वो कॉस है और दूसरा पॉइंट है कॉट है, तो मैं कॉस को ऊपर लिखूंगा और कॉट को नीचे लिखूंगा। तो साइन इज इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट। चैम्स, ये जो फॉर्मूले हैं हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं कि ये किस तरीके से आपस में बराबर हैं। तो अगले सेक्शन में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इनको कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो आइए अब अगला फॉर्मूला बनाएं। अब हम पहुंच गए हैं कॉस पर। तो अगर हम कॉस पे पहुंच गए हैं तो कॉस हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉस के लिए हमारे पास अगले दो पॉइंट होने चाहिए। तो अगला पॉइंट है कॉट, तो कॉट को हम ऊपर लिखेंगे, और उससे अगला पॉइंट है कॉसेक, तो कॉसेक को हम नीचे लिखेंगे। तो चैम्स, यहां पर हमारे पास तीन फॉर्मूले रेडी हो गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉस के बाद आता है कॉट, और ये हम जा रहे हैं घड़ी की डायरेक्शन में। तो अब यहां पर कॉट से आगे के दो पॉइंट है कॉसेक और सेक, शाबाश। तो कॉसेक ऊपर आएगा, कॉसेक ऊपर आ गया, और सेक जो आएगा नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा अगला फॉर्मूला रेडी हो गया, यानी कॉट इज इक्वल टू कॉसेक अपॉन सेक। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं कॉसेक पर। तो कॉसेक करने के लिए अब आपको समझ ही आ गया है, कॉसेक के लिए हमारे पास अब आगे के दो पॉइंट है, क्या है, सेक और टेन। तो सेक पहले आता है तो सेक ऊपर आएगा, टेन बाद में आता है तो टेन बाद में आएगा। तो चैम्स, ये हमारा फिफ्थ फॉर्मूला भी रेडी हो गया है। और सिक्स्थ फॉर्मूले के लिए अब हम सेक पर पहुंच गए हैं। तो सेक क्या होगा, शाबाश आपने बिल्कुल ठीक दिया, वो होगा टेन अपॉन साइन, वेरी गुड। आइए चैम्स अब समझते हैं, अब अगर हम इस हेक्सागन में घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, तो यानी उल्टी दिशा में, तो क्या होता है। चैम्स, हम वही करते हैं, टेन से शुरू करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट आता है सेक और दूसरा पॉइंट आता है कॉसेक, शाबाश अब आपको फॉर्मूले बनाने आ गए। अब हम सेक पर आते हैं, तो सेक पर पहला पॉइंट कौन सा आता है, पहला पॉइंट आता है कॉसेक और दूसरा पॉइंट आता है कॉट। तो सेक इज इक्वल टू कॉसेक अपॉन कॉट हो गया। अब इसी तरह से हम कॉसेक का बनाते हैं। अब हम घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो कॉसेक के आगे दो पॉइंट कौन से हैं, कॉट है पहला पॉइंट, शाबाश, और दूसरा पॉइंट है कॉस। अरे वाह, आपने तो जल्दी बनाने शुरू कर दिए, मुझसे भी जल्दी। अगला पॉइंट आ गया है कॉट, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आपने मुझसे पहले बना लिया है, कॉस अपॉन साइन, शाबाश कंपटीशन करते हैं। अब हम कॉस पर आते हैं, तो कॉस का अगला पॉइंट है साइन और टेन, तो पहले साइन ऊपर आएगा और टेन नीचे आएगा, क्लियर।
और अब हम साइन पर आते हैं। हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया चैंप्स? यहाँ पर साइन आते हैं तो टेन अपॉन, पहले टेन आता है हमारे पास और फिर आता है सेक, तो तीन और तीन छह, और इधर भी छह फॉर्मूले हमारे पास रेडी हो गए। तो चैंप्स हमने 12 फॉर्मूले यहाँ बनाने सीख लिए। चैंप्स मैं आपको ये भी बताने का कि हम ये 12 फॉर्मूले से और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। चैंप्स ये सारे फॉर्मूले मुझे बनाकर समझाइए कि आपने सीख लिए हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और अगली ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेरे साथ बने रहे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।